हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी, सभी को गुड मॉर्निंग जी। सभी को मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे चल रहा है सफाई अभियान। देवर जी कर रहे हैं और देखिए हमारा घर का आंगन कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा। और मैं हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ चाय। मैं भी कर कर आई हूँ काम। अभी कूलर वगैरह रखे हैं हमने अंदर, मैंने और देवर जी ने। तो मैं तो चाय बनाने के लिए आ गई थी अंदर, क्योंकि थक गए हैं। तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो इसलिए दो घुट जिंदगी की क्या है, चाय और क्या। और इसमें हो रहा है दूध गरम। और बच्चों की छुट्टी है दोनों की, तो घर पे हैं तो वो भी लग रहे हैं काम में। और देखिए मेरी शक्ल कैसी हो रही है। मैं साफ़ सफाई अभी करके आई हूँ बाहर, वो टैनों वाले कमरे ना उनकी, तो ऐसी ही हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। राम राम जी सभी को, और हैप्पी दशहरा। आज है विजयदशमी और आपको और आपकी फैमिली को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। तो जी आज है रावण का दहन और हम रेडी हो रहे हैं दहन में जाने के लिए। नहीं, मार्केट में जाने के लिए। मार्केट जाने का सोच रही हूँ फाइनली। मैं पर्स भी लाई हूँ, चली जाऊँ तो निकल के खाना खाया अभी, बाजरे की रोटी और आलू का रायता। मन तो कर रहा है सो जाऊँ, लेकिन सोच रही हूँ बाबा चली जाती हूँ, क्योंकि जाना ही है मार्केट तो लाना ही है साड़ी वगैरह। फिर कल से मैं सफाई में लगूंगी मेरे रूम की। आज वो बाहर की करी है सफाई, कूलर वगैरह रख दिए हैं देवर जी ने अंदर। और जो टीनों के मतलब मकान है ना, बाहर कमरे हैं टीनों वाले, तो वो साफ कर दिए हैं। दो तीन कमरे हैं उनको साफ कर दिया है एकदम, और कूलर रख दिए हैं अच्छे से साफ करके। तो वो तो काम हो गया है बाहर का। तो अब कल मैं करूँगी मेरे इस वाले रूम की सफाई और उस वाले रूम की, दूसरे वाले दोनों की कल ही कर दूंगी, क्योंकि बेड तो निकलेगा नहीं अकेली से। पति देव जी होते तो भी सोचते, तो ये तो निकलेगा नहीं। और बस ये अलमारी है, ये जिसमें टीवी रखा है ये वाली, तो इसका सारा सामान हटा के इसको साफ कर दूंगी अच्छे से पूरा। और ये सभी धो दूंगी, टेडी वेडी जो भी हैं धोने के, और चादर वगैरह हटा करके धो देंगे। और एकदम थोड़ी सी मतलब डीप क्लीनिंग सी कर देंगे। जाले वैसे तो नहीं है, मैं मतलब जो भी मुझे दिखता है मैं फेरती रहती हूँ झाड़ू, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ डेली में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है कि मार देंगे थोड़ा थोड़ा हल्का, ये हो जाएगा कि भाई चलो हमने सफाई की है। और फैन भी साफ करना है ये वाला, इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं है, मैंने किया था एक बार, लेकिन फिर भी करेंगे ही। फैन तो सारे ही करेंगे, किचन वाला ज़्यादा गंदा हो रहा है, वो नहीं करा मैंने, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा है और ऐसे हाथ नहीं आता है। यहाँ पे तो बेड है ना, बेड पे खड़ी होके मैं कर देती हूँ। इधर वाला और उस रूम वाला तो साफ है, तो वो किचन वाला थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है, उसको मतलब ज़्यादा मेहनत लगेगी करने में। तो पंखे तो सारे ही करूँगी खैर साफ, तो बस यही है। तो दोनों तीनों कमरे कर दिए हैं, वो टीनों वाले तो एकदम साफ है, वो भी दिखाऊंगी आपको। सुबह सुबह ही कर दिए थे वो तो। और अभी खाना पीना हो चुका है, तो मैं सोच रही थी आज तो सुबह तो वो काम हो ही गया, अब फ्री है तो मैंने कहा चलो मार्केट जा आती हूँ, क्योंकि लाने ही हैं। और एक मेरी फ्रेंड है तो उसको भी कुछ मंगवाना है, तो वो भी मैं ही लाऊंगी उसके लिए भी। तो मैं सोच रही थी आज ही ले आती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए चलिए जी चलते हैं। बच्चे घर पे हैं, आज छुट्टी है बच्चों की, और प्रिया की मम्मी गई हुई है जयपुर, आपको पता ही है, नहीं तो उसको साथ में ले जाती बाजार में। तो क्यों वीडियो वगैरह तो शायद ही बना पाऊंगी, क्योंकि अकेली से नहीं बन पाती है वीडियो वगैरह। वैसे ही थोड़ा बहुत देखती हूँ, अगर बन पाई तो आपके साथ में शेयर कर दूंगी, नहीं तो फिर घर पे लाने के बाद दिखा दूंगी मैं क्या लेकर आई हूँ। ठीक है जी, तो चलिए फिर निकलते हैं। तो जी यहाँ पे आ गई मैं मार्केट में, और अकेले ही आई थी क्योंकि देवरानी थी नहीं, तो उसको मैं साथ में ले आती, और पैदल ही जा रही हूँ मैं मार्केट में। और अभी जाऊंगी साड़ी की दुकान पे। तो देखिए ये साड़ियों की दुकान पे मैं पहुंच गई हूँ, और ये दुकान बहुत दूर है,
मतलब पूरा मार्केट कवर करके फिर जाना पड़ता है। और लेकिन इस पे साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं और पसंद भी आ जाती हैं और एकदम बढ़िया मिलती हैं, और बहुत बड़ी दुकान है और इस पे भीड़ हमेशा लगी रहती है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लग रही थी क्योंकि त्योहारों का टाइम है तो भीड़ तो लगनी ही होती है दुकान पे। तो देखिए कितनी सारी साड़ियाँ खंडेर पंडेर के घेर रखी हैं, क्योंकि लोग बाग आते हैं लेने एक मेरे जैसे। और एक आई तो तो मार्केट मार्केट जाकर आ गई जाकर आ थी गई मैं थी मैं कल, कल, लेकिन उसके लेकिन बाद उसके में बाद मैंने में मैंने वीडियो नहीं वीडियो नहीं बनाया। तो बनाया मैं तो मार्केट गई थी साड़ी लाने के लिए करवा चौथ के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिली। ट्राईपोड में लगा देती हूँ मोबाइल, तबीयत ना थोड़ी सी डाउन सी हो रही है, जुकाम सा लग रहा है, और क्या बोलते हैं बोला बोलने में भी थोड़ा वो हो रहा है। एक मिनट ट्राईपोड में लगा दूँ तो क्या कर रही थी मैं। हाँ साड़ी लाने गई थी तो फिर पसंद नहीं आई साड़ी, तीन चार दुकानों पे देखा मैंने लेकिन नहीं मिली। थोड़ा नीचे कर लूँ कैमरे को, तो मिली नहीं तो नहीं लेकर आई, क्योंकि जैसी मुझे चाहिए थी उस टाइप की थी नहीं उनके पास से। और ऐसे बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं तो फिर मैं लेकर ही नहीं आई। एक ब्लाउज लाई हूँ तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। ब्लाउज मतलब वो स्ट्रेचेबल वाला रेडीमेड आता है ना, वो वाला लाई हूँ एक ही पिंक कलर का। और साड़ी मतलब साड़ी कोई पसंद आए तो मतलब उसमें कलर पसंद नहीं आता, कलर मुझे चाहिए था पिंक कलर, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं पिंक कलर लाने का ही सोच रही थी लेकिन मिली नहीं। मतलब साड़ी पसंद आ जाए तो कलर पसंद नहीं आता, कलर पसंद आ जाए तो साड़ी पसंद नहीं आती, और मेन बात कलर ही नहीं मिला मुझे। सच पूछो तो मुझे कलर ही नहीं मिला, और जैसी साड़ी मुझे मुझे चाहिए थी वैसी भी नहीं मिली। और अगर एक आध मुझे पसंद आई भी तो मुझे कलर पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे ना पिंक कलर चाहिए था, रानी कलर जिसको बोलते हैं वो वाला। बेबी पिंक में थी बहुत सारी साड़ियाँ लेकिन बेबी पिंक कलर मुझे नहीं चाहिए था, मुझे रानी कलर चाहिए था एकदम डार्क वाला होता है ना वो वाला, क्योंकि मेरे पास आई नहीं उस कलर में साड़ी। और मेरा बड़ा मन था कि मैं वही साड़ी पहनूँ उसी कलर की करवा चौथ पे, लेकिन नहीं मिली। तो अभी दुकान वाले भैया ने बोला है कि 2-3 दिन के बाद आना आप, कि हमने मतलब माल ऑर्डर कर रखा है तो 2-3 दिन के बाद आएगा, तो इसलिए उसके बाद ही आना। लाइट गई भाई, लाइट चली गई है, अंदर अंधेरा हो गया और मैं बाहर आ गई हूँ। वैसे भी बाहर कोई नहीं है और टाइम हो रहा है 2 बज गए। हाँ 2 बज गए दोपहर के, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, ताऊ जी तो अपने रूम में ही हैं उधर सामने वाले, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए सो रहे हैं गेट बंद करके, तो कोई नहीं है देखने वाला, आप और मैं ही हैं। तो इधर से बैठ जाऊँ क्या? नहीं यार साफ़ नहीं है, चलो थोड़ा सा ना जुकाम की वजह से, और पता नहीं सांस सा चढ़ रहा है ऐसे, रात को भी इतना तेज़ मुझे सांस सा चढ़ गया था, तो मैंने एक गर्म गर्म पानी का गिलास पिया और फिर मैं सोई। सीढ़ियों में बैठ जाते हैं यार, देखिए कैसे सांस उफन रहे हैं, ये और बीमारी लग गई नहीं तो सीढ़ियों में बैठ गई हूँ। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ ब्लाउज तो मैं दिखा देती यार, अब लाइट गई, चलो लाइट आएगी तब मैं दिखा दूंगी अंदर जाके, क्योंकि अंदर अभी अंधेरा हो गया रूम में, तो इसलिए। तो साड़ी देखेंगे तो 3 दिन के बाद फिर से जाऊंगी, और जब देखेंगे अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर रखी हुई हैं घर पे, उन्हीं में से एक पहन लेंगे और क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी राजपूती ड्रेस लेकर आऊं, लेकिन वो भी नहीं लाई फिर, क्योंकि पहली बात तो मुझे वो पहननी नहीं आती, कैसे पहनी जाती वो, दुपट्टा लगाना नहीं आता है मुझे, तो इसलिए फिर नहीं लेकर आई। आ गई शायद लाइट, फ्रीज चल रहा है तो चलो अंदर ही चलते हैं। एक तो वैसे ही परेशान हो रही हूँ, ऊपर से लाइट और परेशान कर रही है, तो अंदर आ गई हूँ। वैसे तो बाहर भी कोई नहीं था लेकिन थोड़ा सा ना धूप है तो थोड़ा पता नहीं कैसी वीडियो बन रही थी, मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा था मोबाइल में कि सही भी बन रही है कि नहीं, तो इसलिए अंदर आ गई हूँ। तो चलिए मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ, और साड़ी जिस साड़ी पे पहनने के लिए लाई हूँ ना उसमें तो वो कम ही चल रहा है, तो आप लोग बताना उस पर चलता है क्या, मुझे तो कभी मैच होता हुआ दिखा हो कि कमी होगा, तो आप बताना अगर होता हो तो।
इस वाली साड़ी पे लाई हूँ मैं। वैसे तो इस साड़ी पे ना पर्पल कलर का है ब्लाउज, तो जो कि मैंने सिलवाया नहीं, देखिए घर से ही लाई हुई है ये साड़ी, मेरी पहनी नहीं है अभी इसको एक बार भी मैंने। ये देखिए दूर हो गया क्या, आस करती हूँ। ये देखिए ऐसा है, ये है ना इसकी किनारी, ऐसा है इसका ब्लाउज और ऐसा ही चलता है मतलब इस पे, लेकिन मैं उठा लाई हूँ ये पिंक कलर का, तो मैंने कहा चलो पहन के देख लेती हूँ, मुझे अच्छा लगा। ये वेलवेट के कपड़े में है, ये देखिए सिला हुआ है, सिला सिला है ब्लाउज है, ये देखिए अच्छा है ना, अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैंने कहा ले तो लेती हूँ, बाबा इस पे चल जाएगा तो ठीक है, और अच्छा अगर इस पे नहीं लगा तो और ले आऊँगी फिर, इस पे फिर इसी कलर का लाऊंगी, इस पे पर्पल डार्क पर्पल लाऊंगी, ऐसा ऐसा लाऊंगी डार्क वाला, तो वो अच्छा लगेगा। तो ये अलग है, हाँ ये अलग है, थोड़ा सा मैच हो तो रहा है लेकिन अलग है थोड़ा सा ना, तो पहन के देखूंगी वैसे इस साड़ी पे अगर चल जाए तो, आप बताना कमेंट करके चल जाएगा क्या। तो ठीक है, और जब पहनूंगी ना तो आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है इस साड़ी पे। और एक और लाई थी, तो ये मतलब मेरी फ्रेंड ने मंगवाया था लेकिन उसकी साड़ी पे भी मैच नहीं हो रहा, तो इसको चेंज करवा के लाऊंगी, ये वाला ऐसा है, ये भी स्टिचिंग किया हुआ है और स्ट्रेचेबल ब्लाउज है स्टिच किया हुआ, ये देखिए ऐसा है। वैसे तो सुंदर है, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मेरी साड़ी मतलब मेरी एक भी साड़ी पे मैच नहीं हो रहा है, फिर इसको रखने का भी क्या मतलब है, 200 रुपये का ही है वैसे तो, लेकिन मेरे पास ऐसी मतलब जिस साड़ी पे चल जाए ऐसी मेरे पास साड़ी नहीं है, किसी मैंने मिला के देख लिया एक ही साड़ी में नहीं मैच हो रहा, तो मैंने कहीं चेंज करवा के फिर मैं इस साड़ी का ले आऊँगी, फिर ये साड़ी लेकर जाऊँगी ताकि इसके मैचिंग का ही ले आऊँ, तो ये चेंज करवा के और वो ले आऊँगी। जिस दिन साड़ी देखने जाऊँगी एक बार फिर से देख कर आएंगे, ट्राई कर आएंगे, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाबा पहन लेंगे, फिर देखेंगे रखी कोई ना कोई ऐसी साड़ी मिली जाएगी कि जो मैंने पहनी नहीं है बहुत दिन से और मैं पहन सकती हूँ उसको, तो ऐसी। तो चलिए इस वीडियो का भी यहीं पे एंड कर दूँ, कर देती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। और सफाई स्टार्ट कर दी है मैंने, तो आपको मेरे क्लीनिंग व्लॉग भी मिलेंगे, फुल डीप क्लीनिंग व्लॉग ज़रूर देखना सभी लोग प्लीज़। 5:00 PM वीडियो जाता है और कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, या तो मैं भूल जाती हूँ वीडियो पब्लिक करना, या फिर 5 बजे तक अगर वीडियो मतलब तैयार नहीं हो पाता ना तो थोड़ा बहुत देर से हो जाती है, वैसे 5 बजे जाता है, तो अभी मुझे वीडियो अपलोड करना है। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जाते जाते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, चलिए बाय बाय।